नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे ब्लाउज में डोरी पाइपिंग कैसे लगाते हैं। तो देखिए, हमने ब्लाउज को पहले कट कर लिया है, बस इसमें हम डोरी पाइपिंग लगाना बताएंगे। तो हमने डोरी पाइपिंग पहले से तैयार कर ली है, बस इसमें हमको अटैच करना है। तो सबसे पहले हम ब्लाउज की लंबाई देख लेंगे। तो लंबाई पूरी है 13.5 इंच और इसमें हमने 1 इंच ऐड किया है, तो 14.5 इंच हमने रखा है। अब इसके बाद तीरा हमने रखा है 5 इंच और हमने चेस्ट को रखा है 14 इंच का चेस्ट है, तो हमने इसका चौथाई भाग रखा है 10 इंच। अब इसके बाद हमने आर्म होल रखा है 5.5 इंच। अब इस तरह से हम यहाँ पे लाइन सीधे करके और यहाँ पे हमने गहराई दिया है। तो हमने ब्लाउज की कटिंग कर ली है पहले से। अब इसके बाद यहाँ पे हम नेक की कटिंग करेंगे। तो ऊपर साइड से हम नेक लेंगे 2 इंच और यहाँ नीचे साइड से 1/2 इंच हम छोड़ेंगे सिलाई के लिए। और उसके बाद यहाँ पे हम 3.5 इंच पे फिटिंग है, तो थोड़ा सा और उसमें हम बढ़ा के लेंगे 4.25 इंच। और यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच नीचे साइड से। अब इसके बाद स्केल की सहायता से हम इसको सीधे कर देंगे, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे हम गले में गोलाई का शेप देंगे इस तरह से। तो हमको गोल नेक बनाना है, इसीलिए हमने गोलाई में शेप दिया है। अब देखिए, इसके बाद हमने अस्तर को कट कर लिया है। अस्तर कट करने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा गैप देके और यहाँ पे जो ब्लाउज का कपड़ा है फैब्रिक, इसको हम कट करेंगे। तो देखिए, हमने इतना से थोड़ा सा गैप दिया है इसमें मार्जिन के लिए, क्योंकि जो एक्स्ट्रा कपड़ा बाद में निकलता है उसको हम कट कर देते हैं। तो अब इसके बाद हम इसको सिलेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से जो ब्लाउज का कपड़ा है इसको फैला देंगे यहाँ पे। अब इसके बाद ऊपर से हम रखेंगे, हमने सीधे बगल को इसको हमने रखा है। अब इसके बाद यहाँ पे हम अस्तर को रखेंगे इस तरह से। अस्तर रखने के बाद यहाँ पे हम पिन से सेट कर देंगे इसको, देखिए इस तरह से। पिन सेट करने के बाद हम दोनों साइड से यहाँ पे लगाएंगे पिन, देखिए इस तरफ से भी लगाएंगे और एक पिन हम लगाएंगे बीच साइड से भी, ताकि जितनी पे है उतनी पे कपड़ा रहे और फिसलने ना पाए। तो इस तरह से अब हम यहाँ पे पहले नेक में लगाएंगे पाइपिंग। तो देखिए, हमने पाइपिंग जो बनाया है इसको हम यहाँ पे बीच में रखेंगे और नीचे और ऊपर दोनों अस्तर और ब्लाउज का कपड़ा रहेगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे एकदम इसके किनारे जो डोरी वाली पाइपिंग है बिल्कुल वहीं पे किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाते हुए हम जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो गोलाई है गले की, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको खींच के गोलाई में रखेंगे इस तरह से, खींच के तब लगाएंगे। अगर आपको डोरी पाइपिंग कैसे बनाते हैं इसकी वीडियो देखना है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बनाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, इस तरह से हमने तैयार कर लिया है इसको। अब इसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट कर लेंगे, देखिए हमने कट कर लिया है और यहाँ पे छोटा छोटा कट लगा देंगे बीच में। अब इसके बाद हम यहाँ से नीचे से 1/2 इंच हमने जितना सिलाई के लिए दिया था इतना मार्जिन, उतना हम उस पर सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच छोड़ के। तो देखिए, यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब इसके बाद इसको हम पलटेंगे इस तरह से, देखिए हम इस तरह से इसको निकाल के इसको पलट लेंगे ब्लाउज को। तो हमने ब्लाउज को पलट लिया है और इसको हम सही से कर देंगे। और यहाँ पे देखिए कितनी पाइपिंग और कितनी सुंदर पाइपिंग निकली है। इसके बाद यहाँ पे हम जो एक फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे, थोड़ा सा गैप देके यहाँ पे हम फिनिशिंग के लिए सिलाई लगाएंगे, ताकि जो पाइपिंग है और भी सुंदर लगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे पाइपिंग को लगा लिया है। अगर इस तरह से वीडियो आपको देखनी है तो आपको और भी वीडियो मिल जाएंगी। तो देखिए, अब यहाँ पे हम एक फिनिशिंग की सिलाई और लगा देंगे नीचे साइड। देखिए यहाँ पे एकदम बारीक में सिलाई हम लगाएंगे, ताकि देखने में सुंदर लगे। बहुत ज़्यादा गैप देके सिलाई नहीं लगाएंगे। और इसके बाद यहाँ पे साइड में भी हम सिलाई लगा देंगे इसी समय। देखिए इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे दोनों साइड से। एक साइड कंप्लीट हुआ और दूसरे साइड भी इसी तरह से हम सिलाई
अब इसके बाद आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका फाइनल लुक कितना सुंदर आया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक।